तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे आप सभी? तो यार, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग पे। तो गाइस, आज का मैं राइड करने वाला हूँ जयपुर टू दिल्ली। मैं बताऊँ आपको, ये हो गया लिंकी टूल्स, ये मैं कैरी करूँगा। दूसरा, ये हेलमेट है वेगा का, ठीक है? देखो, मजबूत हेलमेट लेके जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राइड कर रहे हो। दूसरा, एक बैग होना चाहिए जो बढ़िया सा, ये तो वाला। फर्स्ट फर्स्ट हम सबसे पहले जाएंगे एंड सबसे पहले भाई फुल टैंक करवाएंगे। देखते फुल टैंक कितने का होता है भाई। फुल टैंक है ना, आप जब भी करवाओ ना ये ऑटो कट पे करवाना। उससे क्या आपका क्या मतलब जो बाकी का एयर है ना वो निकल जाए, क्योंकि फुल करवाना भी सही नहीं है। तो हमारा जो है 743 का हुआ है, देन देखते हैं वहाँ पर कितने का होगा नहीं होगा। तो अब फटाफट से राइड के लिए तैयार तो हो। हेलो गाइस, देखो यार, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, बट कोई बात नहीं स्टिल। एंड अभी अपन जो है तैयार हो चुके हैं। अभी टाइम देखो, मैं बताता हूँ आपको, 12:18 हो रहा है। तो 12:01 से मान लो 20:30 हम राइड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिटी से बाहर निकलेंगे, वापस ऐसा हो सकता है पुलिस वाले भी हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आई विल समथिंग मैंने रख लिया है। ओके, तो चलते हैं। अब मेरी इंग्लिश और टाइप वॉइस, तो देखते सेकंड टाइम खून टैंक कब करवाना पड़ता है। तो फाइनली गाइस हम बस निकल रहे हैं भाई गली के अंदर। ऐसे देखते जैसे पता ही नहीं भाई कहाँ जा रहा है। भाई ऐसा ही होता है जब फर्स्ट फर्स्ट आप राइडर बनते हो। देखो यहाँ पे ना भाई गाड़ी को ना थ्रोटल देने में ना अजीब सा लग रहा था मेरे को, क्योंकि गली का है ना कि सामने से कोई भी आ जाता है ना भाई थोड़ा सा डर लगता है। सबसे पहले हाईवे की तरफ जाएंगे, बट एक डर रहता है हमेशा, पता है क्या? वो चेक पोस्ट लगा रहता है। चेक पोस्ट पर भाई ऐसे मतलब पूछताछ होता है जी, कोई हद नहीं। तो उनको क्या सारा डिटेल देना होता है। और सबसे पहले अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जगह जगह कैमरे हैं। तो दूर आपका ऑनलाइन चालान तो बनना कंफर्म है, क्योंकि अदर स्टेट बाइक है। तो फटाफट चलते हैं। यहाँ तो भाई पहुँच गए हाईवे पे। हाईवे का यार एक अलग ही सीन है। और दूसरा, एक सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप निकलो ना, तो जो गलती मैं करता हूँ वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। मेरे पास जो हेलमेट है भाई, उस हेलमेट के अंदर जो वाइजर है ना वो मरकरी है, तो जिसके कारण मेरे को ना नाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आप मिनिमम मैक्सिमम कोई सी भी आप स्पीड देख लो, मेरी बाइक में 80 से ऊपर गई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चक्कर में। और ग्लव्स भी मेरे पास ढंग के नहीं थे, इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। और भाई सबसे बेकार यार इसके ना मतलब बैठने की जो है ना, पिलियन तो छोड़ो यार, राइडर भी कंफर्टेबल होकर के नहीं बैठ पा रहे हैं। मगर समझ मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इस पर बैठने में। तो पाँव की एक्सरसाइज कर लेते हैं यार, मज़ा आ रहा है यार ऐसे करने में। यार ये लेवल है ना भाई, बाइक जो है ना मैच ही नहीं होती है। हम जैसे लोंडो पे, फिर भी ये देखो जूते चमक रहे हैं, जूते हैं दो इंडिकेटर वो चमक रहे हैं। बट यहाँ से चलते हैं यार। ये हाँ, ये मेरे को है ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था कि कहीं है ना गाड़ी वाड़ी आगे टक्कर हो गई, जिसके कारण क्या धुआं वुआ हो गया होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी कंस्टेंटली चल रही है, वो सबसे बेस्ट है। बट यार सबसे पहली बात ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। और ये आ गया अपना शाहपुरा टोल प्लाजा। तो यहाँ पे भाई अपन रुकेंगे और सबसे पहले भाई रेस्ट करेंगे, क्योंकि सही बताऊँ ना मेरे भाई कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओनली फॉर 1 या 2 मिनट का स्टॉपेज है, क्योंकि नॉन स्टॉप मैं करने वाला हूँ। और देखते कितने घंटे में हम पहुँचते हैं वहाँ पर। बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि भाई टॉयलेट वगैरह भी लगा है, तो साइड में रोकना पड़ेगा, क्योंकि कई बार के वीडियो आती है ना वैसी, जिसके अंदर भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। चलो उस पहले गाड़ी यहीं पर रोक देते हैं। ट्रिप वगैरह 158 समथिंग है। चलो कोई ना, बंद करते हैं इसको। तो सॉन्ग सुनने का भी अलग ही मजा यार। और भाई पाँव में ना झंझनाहट से बढ़ जाती है। रुको यार एक सेकेंड, इस बेग को पहले यहीं रखता हूँ। और भाई 1 2 3 4 1 2 गाइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं तो। चलो अब सबसे पहले बारी आती है इसमें, गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। चलो पहले गाड़ी बंद करते हैं, अब रुको फ्रंट कैमरा ऑन करते तो हैं। भाई अभी हम रुके हैं शाहजहाँपुरा टोल नाके पर, ठीक है भाई? कम से कम भी नहीं ना, ये देखो आपको अच्छे दिखाऊं, 1 लाख भाई गाड़ी नहीं रोका मैंने स्टार्ट किया था। 158 किलोमीटर भाई, मतलब 158 किलोमीटर तक गाड़ी एक भी बार नहीं रोका। और एक दिक्कत पता है क्या, ये मरकरी वाला है, ठीक है? तो मेरे को नाइट में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इस चीज़ को लेकर के, कि इसको मैं बंद कर दूँ ना कि कम है, और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो कभी भी आप गाड़ी रोको राइड करते समय, कम से कम 100-150 किलोमीटर से 5-10 किलोमीटर रोक देना चाहिए। फिर चेक करना चाहिए टायर प्रेशर, टायर प्रेशर देख लेना चाहिए, कहीं फ्यूल तो नहीं लगा वो देख लेना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं इंजन।
तो गाइस यहाँ पर रेस्ट वेस्ट हो गया, फटाफट से भाई गाड़ी निकाल के ले जाते हैं भाई। यहाँ पे ना सबसे बेकार मेरे को यही लग रहा है भाई, ये गाड़ी वाला ना भाई कब से ओवरटेक कर रहा है मेरी, भाई कसम से कह रहा हूँ फट के हाथ मारी बार बार, क्योंकि यार रात में गाड़ी चलाते ना तो उस समय पता है फिर आपको क्या सीन होता है क्या नहीं होता। एक तो गाइस इसमें ना देखो टोटल बहुत ही कम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना इसका रेस ना ऐसा खींच रहा है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ना यार फर्स्ट टाइम इतना लंबा राइड कर रहा हूँ, वैसे इससे पहले वाला राइड जितने भी किए थे उसमें क्या स्टॉपेज बहुत ज़्यादा था, तो इस राइड को करते हैं। बट यार इस गाड़ी से ना कट निकालने में बहुत मज़ा आता है। अब मैं चाहता हूँ अगर आप लोग अगर ट्रेंड नहीं होना तो भाई कट मत निकालना। दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी आप राइड पे निकलो तो किन किन चीज़ों को मेजर ध्यान में रखते हुए चलना है वो मैं बताता हूँ। देखो यार ट्रक है बस वालों की किसी की भी गलती नहीं होती, सही बताऊँ तो मैं आप लोगों को, गलती होती है अपनी। अब जैसे मेरी छोटी व्हीकल है, मैं अगर कट मार के अगर इनके सामने अगर ओवरटेक कर रहा हूँ चाहे गलत तरीके से कुछ भी कर रहा हूँ तो भाई इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी आपको पता ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गाड़ी का स्पीड अपने हिसाब से रखना भाई, ये नहीं कि अपने मन में आ रहा है तो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 कितने पे भी खेच रहे हो भाई ये गलत है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने गाड़ी का मेंटेन रखो और कुछ नहीं है, गाड़ी कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि सामने देखो यार रात का टाइम है, कोई बाई चांस मान लो कोई जानवर आ जाए कुछ भी आ जाए तो पता ही है क्या हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल यार वॉइस ओवर में इससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि इसका माइक है ना ख़राब है। बट कोई बात नहीं, स्टिल यार मुझे ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगी वो ये कि दिल्ली पहुँचने से पहले पहले मेरे साथ एक सीन हो गया, वो सीन आपको इसमें मैं दिखाऊंगा और उसमें मैं वैसे लाइव नहीं है उसमें कट हो गया, मैं लाइव बोलूँगा बट ध्यान रखना। तो गाइस जो अभी मेरे साथ हुआ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी के साथ हो, वो ये है कि लोकेशन जो है मुझे इस जगह लाके खड़ी कर दिया ना, अब वो भी सुबह के समथिंग 4 बजने में, कुछ टाइम बाकी था उससे पहले, और मेरा जो डिस्टेंस था वो समथिंग 56 या 60 किलोमीटर के अराउंड है। एंड गाइस मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हुई इस जगह को, क्योंकि इस जगह जैसे ही आया ना मैं, मेरे को सबसे ज़्यादा भाई इसमें डर ये लगा कि एक्चुअली मैं हूँ कहाँ यार, समझ रहे हो। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाना तो आप मैप पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दो, मैं बस इतना ही कहूँगा मैप पे बिल्कुल ध्यान दो ही मत, खुद का कॉमन सेंस यूज़ करो। 10 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा भी अगर आपको चलना पड़ रहा है ना गाइस चलो। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ था, ये था, ये खेत के अंदर दिखा रहा है, ये लोकेशन मेरे को दिखा रहा है आगे से हाईवे पर चलने के लिए, ठीक है। मैं इधर उधर भाई हाई बीम करके भी आपको पता है क्या दिखाना चाहता हूँ, आसपास कोई भी रोड नहीं है। तो मेरे को एक जो सबसे चीज़ का डर लग रहा था ना वो था जानवरों का, इसलिए मैं इसका ट्रैक्शन बंद करता हूँ, क्योंकि ट्रैक्शन बंद करने के बाद क्या पीछे वाला हम जो है ना विली टाइप मतलब बोलते हैं ना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करते हैं एंड करने के बाद देखो भाई कहीं पे भी भाई कोई रास्ता ही नहीं यार, मैं कहाँ जाऊँ। और फिर देखो मैप अभी बिल्कुल सही बता रहा है, अब थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा ये देखो थोड़ी देर बाद ये चेंज हो गया। अब इसका सतुना ही जाना कहाँ क्या करना है नहीं करना है, आसपास मेरे को ना लोग दिख रहे ना कुछ, सबसे ज़्यादा डर मेरे को यही लग रहा है कोई नशेड़ी वशेड़ी आ गया सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे कैसे भी करके मैंने देखा नहीं रास्ता सही नहीं है, गाड़ी का यू टर्न लेकर के और यू टर्न लेकर ही जाना सबसे बेस्ट मैं समझाऊँ। बट अगर आपके सामने अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि भाई जंगल से ही जाना है या किसी खेत से ही जाना है या फिर कोई ऐसे लोकेशन जाना है जहाँ पर आपको डर लग रहा है जो कुछ भी कर रहे हैं, तो या तो पहले अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसके साथ साथ चल जाओ पीछे पीछे, नहीं तो आप डे होने मतलब कि सूरज उगने का इंतज़ार कर सकते हो, कोई डिसीजन मत लो क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल सकती है, जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है। भाई मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि मैं यहाँ से निकल गया, बट स्टिल हर किसी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती है, तो यहाँ से तो चलो भाई कोई बात नहीं निकल लिए। और सबसे अच्छा भाई मेरे को इस गाड़ी पे ना एक विश्वास है, विश्वास इसकी ब्रेकिंग को लेकर के, इसकी स्पीडिंग को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, अगर बाई चांस अगर कोई मेरी गाड़ी के पीछे आ भी जाए ना तो भाई मैं फुल चैलेंज देता हूँ कि मैं वहाँ से निकलने में ना मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा और तरीके से निकल जाऊँगा। तो चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं, दिल्ली वैसे पहुँच गए तो दिल्ली के रोड के भी तो मज़े लोगे ना, और जो सामने दिख रहा है ना दिल्ली की बिल्डिंग है भाई, अब ये भी है थोड़ा आगे है मतलब 3-4 किलोमीटर आगे है,
वहाँ से बिल्डिंग दिख रही है। तो भाई दिल्ली में बहुत अच्छी जगह है, अब चलेंगे एक बार लखनऊ का टूर करेंगे। एंड भाई टूर में जितने भी वो सारे नॉन स्टॉप रहते हैं, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइज, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सॉरी फॉर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है देन। एंड आप लोगों में से कई लोगों को अगर मेरी वीडियो एडिटिंग अच्छी लग रही है इस पे या इंस्टाग्राम पे, तो देन आप मुझे प्रोजेक्ट भी दे सकते हो वीडियो एडिटिंग का, जो मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करता हूँ। बट मैं अपने वीडियोज़ के अंदर इतना अच्छा नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरी नॉर्मल लाइफ है जिसको मैं ओनली फॉर बस फन की तरह चलने देता हूँ। तो अब आ चुके हैं भाई दिल्ली। भाई दिल्ली आकर के ना कसम से दिल खुश हो गया यार, क्योंकि यहाँ पर है ना मैं पहले ना आता था ना तो बस मेरा मन करता था यार कहीं ना कहीं बस रुक जाऊँ देखूँ। तो मैं आता था सिर्फ शादी की बारात वारात होती ना उसके अंदर ही आना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई ऐसा है नहीं, भैया रहते थे वो चल गए तो किसके पास आए। तो यहाँ पर भी हम जो आए हैं सबसे पहला रीज़न आपको वो बताता हूँ, ये जो हमारा राइड है वो 280 यानी कि 300 किलोमीटर के समथिंग हो गया, क्योंकि अंदर बाहर सारा किलोमीटर जोड़ लेंगे तो 300 किलोमीटर का है। अभी आप देखें 4:14 हो रहा टाइम, घर से भाई निकले थे 12:36 पे, ठीक है 12:36 से लेकर 4:14 का आप टाइमिंग देख लो। एंड गाइस 34 समथिंग है, दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इतना ही टाइम बचा था जिसके अंदर मैं पहुँच गया था 5:16 से पहले, जो एक मैंने स्टोरी डाली भी थी, जो लोग मुझे जानते हो तो भाई पहले से देख लिए होंगे। मैं आया था भाई यहाँ पर, वैसे मेरा सब्सक्राइबर था वो, बट अभी वो मेरा जिगरी भाई है, ठीक है। तो उसकी सिस्टर का यहाँ पर एग्ज़ाम था तो वो जयपुर आ नहीं सकते थे, तो मैं इनसे मिलने आ गया। तो वो यार ये होता प्यार था, तो दिल्ली आने के तो एक अलग ही खुशी है ही, बट उससे पहले कुछ रियल सील बन जाए तो मौज ही बन जाए भाई साहब, और तो खाई चाहिए अपना। ओ भाई यहाँ पर है ना एक चीज़ मेरे को और करने में मज़ा आया, पता है क्या, आप लोगों में से किसी को ना दिखाया हूँ ना कुछ किया हूँ, क्योंकि कई जगह यहाँ पे कैमरा लगे हुए नहीं है, तो इसलिए ओवर स्पीडिंग करने का भी मैंने बहुत बहुत ट्राई किया। एंड ओवर स्पीडिंग में अभी हम पहुँच चुके हैं दिल्ली और मेरा डेस्टिनेशन अभी भी नहीं, तो भाई 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मैं इसमें से दिखा दूँ आपको। आपको लग रहा होगा या तो मैंने कोई फिल्टर डाल रखा है या फिर फोग वाला कोई इफेक्ट डाल रखा है या फिर मैं सर्दी में आ रखा हूँ, यू नो ना भाई सर्दी है ना कुछ है। मैंने इसके बारे में सुना तो था कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है भाई, ये पोल्यूशन है यार, ये बताओ यार, मतलब यहाँ पे पता है आते ही ना सांस नहीं लिया जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं धुआं से छाया हुआ है। आई थिंक यार ये वीडियो इससे बेहतर अपना जयपुर होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ना जयपुर भी ऐसा बन गया है, तो देख लो गाइस ये करने वाला ना हो तुम कुछ टाइम बाद। गाइस जैसे यहाँ पे पोल्यूशन है ना, अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है कि ऑल इंडिया हर जगह वैसा ही होने लगेगा, तो यहाँ तो चलो फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस की है, ध्यान दी है, वरना गाइस इससे पहले तक तो ऐसा कुछ भी सिस्टम था ही नहीं। बट कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना तो मान गए भाई अपन भी। अब भाई देखो यहाँ तो मैं पहुँच गया, देखो ठीक है यहाँ पर मैं पहुँचा था 5 बजे से पहले पहुँच गया था, सही बताऊँ तुम्हें आपको। और यहाँ पहुँचने के बाद गलियों में भटकते जहाँ पहुँचना था वहाँ भी पहुँच गए, कुछ नहीं वीडियो को बस थोड़ा सा आगे इन्जॉय करूँ, थोड़े बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो देखूँ, इसके पार्ट टू भी आने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई दिल्ली बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हूँ। एंड जो कुछ बच गए वो मैं बाद में करूँगा, जैसे करोल बाग हो गया, चोर बाज़ार हो गया, बड़ा बाव गर्ल हो गई, बहुत सारे हैं जिसके ऊपर अपन बाद में बनाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करते रहेंगे। तो MR Aashu YT इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हनुमान, जय श्री राम। चलो आगे के कुछ डायलॉग बाजी वो भी सुन लो। फाइनली गाइस पहुंच तो गए लेकिन एक मेरे साथ चोट हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ है, अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए, फ़ोन स्विच ऑफ है, पता नहीं अब आगे क्या होगा नहीं होगा। अब भाई मैं दिल्ली में आ गया हूं, अब जाऊंगा कहां पर यार, मतलब घर से 280 किलोमीटर दूर। चलो जय हनुमान, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। गाड़ी को तो यहाँ पार्क कर दी क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज़